दोस्तों, अपने देश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, स्टेट वाइज अगर आप देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात मैं अभी कर रहा हूं, इसमें 52 अगर राजस्थान में है तो बाकी स्टेट में और भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से अलग अलग तरह से जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं, अलग अलग जगहों पे यूनिवर्सिटी चलती हैं, बहुत सारे कोर्सेज को लेकर यूनिवर्सिटी चलाई जाती है, बहुत सारे अप्रूवल्स भी ले जाते हैं। और ऐसी ही जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं, एक यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता है, सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी। जब भी कोई यूनिवर्सिटी दोस्तों एडमिशंस लेती है या काम करती है अपने स्टेट में, हालांकि यूनिवर्सिटीज अलग अलग तरह से एडवर्टीजमेंट्स देती हैं, अलग अलग तरह से कोर्सेज चलाती हैं और कुछ कोर्सेज के लिए एक यूनिवर्सिटी ब्रांड बन जाती है। इस यूनिवर्सिटी का नाम हालांकि इतना फेमस स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, और अगर मैं स्टेट के बाहर निकलूं तो काफी कम मतलब स्टूडेंट जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि हम जो लगातार वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी की इस यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने कहा इस यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाएं। बट जो स्टूडेंट्स हैं लोकल के, मतलब राजस्थान की बात करूं, उदयपुर की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर इस यूनिवर्सिटी पर भी वीडियो बनाएं, इस यूनिवर्सिटी से अगर हम कोई कोर्स करें तो क्या हमें करना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहां रैंक करती है, हम यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज को चलाती है, और साथ ही अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट कैसा है, ऐसे कई सारे सवाल जो दोस्तों आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, उन सभी सवालों के आज हम जवाब देंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से, और कोशिश करेंगे इस यूनिवर्सिटी को और अच्छे से आपको बताने की। ज्यादा कुछ जानने के लिए सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में। कितनी यूनिवर्सिटी चलती है टोटल अपने देश में दोस्तों? हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, यह भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। सर पद्मपत यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज है। यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो जो यूजीसी का एक्ट बोलता है 1956 का, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उसके सेक्शन 2F में बनाई जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी भी उन यूनिवर्सिटीज में से एक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यूजीसी पर अगर देखें टोटल 52 यूनिवर्सिटीज चलती हैं, और 46वें नंबर पर आप इस यूनिवर्सिटी को चेक भी कर सकते हैं। अब यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को आप चेक कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान में चलती है, सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी, और यूजीसी को रेगुलेट करता है HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो है, जो हमारी गवर्नमेंट, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो देखती है। हालांकि डिस्टेंस एजुकेशन जो चलाए जाते हैं वो भी DEB यूजीसी के साथ ही मिलकर काम करता है, और डिस्टेंस को चलाने के लिए NAC एक्रेडिटेशन का होना बहुत जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी के पास NAC है या नहीं, पहले हम जानेंगे यूनिवर्सिटी के यूजीसी के अप्रूवल के बारे में। आप कैसे चेक करेंगे कि यूनिवर्सिटी मान्य है भी कि नहीं? सबसे पहले आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही टाइप करते हैं तो यूजीसी का इंटरफेस खुल जाएगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज यहां पर लिस्ट होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी यहां लिस्ट नहीं है तो मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल ही नहीं है। जैसे ही यूनिवर्सिटी का इंटरफेस खुलेगा, यहां पर यूनिवर्सिटीज में आप क्लिक करेंगे, जाने के बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इसलिए स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सभी जितने भी मतलब स्टेट चलते हैं अपने देश में, सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए होंगे वहां पर। राजस्थान में आपको क्लिक करना है, तीसरी लाइन में आप देखोगे सिक्किम के ऊपर तो राजस्थान है। राजस्थान पे क्लिक करते ही टोटल जो यूनिवर्सिटीज हैं, 52 यूनिवर्सिटीज जो राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उन सभी की लिस्ट खोल देता है। अब इसी लिस्ट में आप अगर देखते हैं 46वें नंबर पर,
46 नंबर पर देखोगे सर पद्मापत सिंघानिया यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है। ये 46वीं कोई रैंक नहीं है दोस्तों, अल्फाबेटिकली एस जहां पर आता है उसके हिसाब से यहां पर लिखा हुआ है सर पद्मापत यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी हालांकि 2008 में बनी है, 29 मार्च 2008 में यूनिवर्सिटी बनी है। लगभग 14-15 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं। कौन कौन से अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी ला पाई इन 14-15 सालों में उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, www.spsu.ac.in, यही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो यूजीसी पर होती है, उसी पर डिटेल्स आपको चेक करनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब साथ में ही मोर डिटेल्स पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं यहां से आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं इजीली। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, मेल आईडी मेंशन है, कुछ फोन नंबर मेंशन है। अब यहां पर जो वाइस चांसलर में डिटेल्स आप देखते हैं, डॉक्टर पद्माकली बैनर्जी ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, और साथ में जो रजिस्ट्रार साहब है डॉक्टर संजय मिश्रा ये यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है। वीसी हो चाहे रजिस्ट्रार हो दोनों का ही मेल आईडी और फोन नंबर यहां पर मेंशन है, यहां डिटेल्स आप देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं, अगर यूनिवर्सिटी से कोई आपको समस्या है प्रॉब्लम है कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। पर मैं आपको यही बोलूंगा सबसे पहले आपको वीसी साहब रजिस्ट्रार साहब से मिलना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम जो भी है शॉर्ट आउट हो जाएगी। कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी में ये तो एक बात की बात है दोस्तों, पर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें जब तक विजिट ना करें एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स को देखें, कैंपस विजिट करें और देखें कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, साथ में ही जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। फैकल्टी मेंबर से जाके आप मिलिए और देख लीजिए प्लेसमेंट कैसा है, ऐसे ही एडमिशन ना लें। हालांकि अलग अलग तरह से एडमिशन लेने में हम आपकी कई बार मदद करते हैं। कोई भी समस्या है कोई भी डाउट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ में ही आसपास की जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं उदयपुर में या आसपास जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं उनसे भी कंपेयर कर लें, क्योंकि मेवाड़ यूनिवर्सिटी से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हमने कंपेयर किया था और साथ में ही और भी जो आसपास यूनिवर्सिटीज चलती हैं उनसे भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें या ना लें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कोर्सेज कौन कौन से हैं यूनिवर्सिटी के पास, कोर्सेज कौन कौन से हैं उससे पहले दोस्तों आपको जानना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, क्योंकि अप्रूवल्स हालांकि देखा जाए तो यूजीसी ने अगर यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया तो यूनिवर्सिटी वो सभी कोर्सेज चला सकती है, जैसे कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज चला सकती है, साथ में यूजीपीजी कोर्सेज जैसे यूजीपीजी कोर्सेज जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, साथ में पीएचडी करा सकती है, क्योंकि ये कोर्सेज कराने का बाय डिफॉल्ट एक यूनिवर्सिटी को राइट मिल जाता है इन कोर्स को चलाने का। पर यूनिवर्सिटी को अगर काउंसिल कोर्सेज चलाने हैं तो उसके लिए काउंसलिंग का अप्रूवल होना चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं चला सकती। जैसे फार्मेसी करनी है, लॉ करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, आर्किटेक्चर करनी है, ऐसे सब कोर्सेज को या एनसीटी रिलेटेड कोर्सेज करने हैं, बीएड करना चाहते हो आप, इनके लिए यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल होना ही चाहिए काउंसिल्स का, वरना वो कोर्स वैलिड ही नहीं, कोर्स आपको करना नहीं चाहिए। अब क्या क्या अप्रूवल्स है पहले आप वो जान लीजिए। दोस्तों अगर अप्रूवल्स में बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो जैसे कि यूनिवर्सिटी की साइट को आप देखते हो यहाँ कहीं पर भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर नेक एक्रेडिटेशन का कहीं भी जिक्र किया नहीं है हालांकि, या फिर जो बाकी अप्रूवल्स हैं उनके बारे में भी यूनिवर्सिटी ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। बट कुछ जगहों पर देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि ए नेक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है ये, पर क्यों वेबसाइट पर मेंशन नहीं है फ्रंट पर वो एक बात अलग है, और यूनिवर्सिटी के जो बाकी के अप्रूवल्स हैं उनके बारे में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी नहीं इस वेबसाइट से। हालांकि हम बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद में जो जो यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी से और आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी आप कैसे आसानी से विजिट कर पाएंगे। और हो सकेगा 2022-23 का जो प्रोस्पेक्टस है उसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे ताकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हाइड हैं इस यूनिवर्सिटी की जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जैसे कि इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के पास जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो डाटा साइंस में करवाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में करवाता है, या फिर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे सीमेंट टेक्नोलॉजी है, माइनिंग की बात करूँ तो न्यू एज माइनिंग है, साथ में कुछ और भी कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती है, बट उन सभी कोर्सेज को सही तरह से ऑर्गेनाइज वे में बताया नहीं गया है वेबसाइट पर। पर यूनिवर्सिटी बोलती है जैसे कि इंजीनियरिंग टाइप कोर्स करवाती है यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट करवाती है, और यही
जो कोर्स है मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, इन्हीं कोर्सेज के बीच में यूनिवर्सिटी उलझकर रह जाती है। ज्यादा कुछ कोर्सेज पर यूनिवर्सिटी नहीं बता पाती अपने आप को। साथ में ही स्कॉलरशिप के बारे में काफी कुछ डाला है यूनिवर्सिटी ने, बट कोर्सेज को ज्यादा अच्छे से मेंशन नहीं किया है। हालांकि जब भी हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो मेरा मानना है कि डिटेल्ड वीडियो आप तक हम पहुंचा पाएंगे और आपके सभी तरह के जो डाउट्स हैं उन्हें भी हम बहुत जल्दी ही क्लियर कर पाएंगे। इस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहे वो अप्रूवल्स हों, चाहे वो कोर्सेज हों, यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई वो मैंने आपको बताया। नैक यूनिवर्सिटी बोलती है कि ए ग्रेड मिला है, बट वो क्यों मेंशन फ्रंट पर वेबसाइट पर नहीं है। ऐसी कई सारी बातें हैं दोस्तों जो कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। पर आप क्या जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, वो आप हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें और इस यूनिवर्सिटी को किस यूनिवर्सिटी के साथ हम कंपेयर करें उस पर भी कमेंट करें, ताकि हम वो वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ सके और आपके सभी डाउट्स हम क्लियर कर सके। दोस्तों इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। इस यूनिवर्सिटी को डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे, रिव्यू करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस टाइमली मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।